सीधा आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से कि अब ये मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जगविंदर देखिए, ये दोनों पुलिस के झगड़े के बीच बढ़ता जा रहा है मामला, क्योंकि जब दिल्ली से गिरफ्तार करके तेजेंद्र बग्गा को मोहाली पुलिस पंजाब ला रही थी तो रास्ते में कुरुक्षेत्र के पास उनका रास्ता रोका गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, गिरफ्तारियां प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बहुत से लोगों की होती है, लेकिन इस तरह से कभी भी दो पुलिस जो है वो सियासी लड़ाई में उलझ कर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाए, ये शायद पहली बार हाईवे पर देखा गया है कि पेट्रोल पंप के पास, कुरुक्षेत्र में पीपली एक जगह पड़ती है हाईवे पर, और उसके पास एक पेट्रोल पंप है, वहां पर पंजाब पुलिस की गाड़ियों को रोका गया है, हरियाणा पुलिस की तरफ से रोका गया है। हालांकि दोनों ही तरफ के आला अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच में दखल सरकारों के स्तर का है, इसलिए अधिकारी भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, ना पंजाब के ना हरियाणा के, और जस की तस स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पंजाब और हरियाणा के आरोपी या फिर अपराधी जो है वो एक दूसरे के इलाके में पुलिस ट्रांसफर करके या गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन तेजेंद्र बग्गा का रास्ता रोका जाना अपने आप में मायने रखता है और ये लड़ाई जो है यही खत्म नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के झगड़े होते थे, अब दो राज्यों की पुलिस के बीच में वो झगड़ा सड़क पर नजर आ रहा है, और मुझे ये लगता है ये गलत प्रेसिडेंट है, और इस प्रेसिडेंट के मुताबिक तो आगे से एक दूसरे राज्यों में अगर सरकार किसी दूसरी पार्टी की है तो ये दिक्कत रोज शाम को खड़ी हो जाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कि बड़ी शर्मनाक है पुलिस के लिए भी और दोनों राज्यों के लिए भी, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यही है कि तेजेंद्र बग्गा का काबिला कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में रोका गया है, हरियाणा पुलिस की तरफ रोका गया है, और मोहाली में एक FIR दर्ज हुई थी जो कि द कश्मीर फाइल्स के झगड़े को लेकर बयानबाजी हुई थी, उसमें केजरीवाल के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट दी गई थी उसको लेकर मोहाली के कार्यकर्ता ने मोहाली पुलिस के पास FIR दर्ज कराई थी, उसी सिलसिले में तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी करके उनको लाया जा रहा था मोहाली, और बीच में ये झगड़ा खड़ा हो गया है हरियाणा और पंजाब पुलिस के बीच। इस पूरे मामले को देखिए अगर ध्यान से जगविंदर, यहाँ दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि पुलिस यहाँ केवल ऑर्डर फॉलो कर रही है, जिस केंद्र से ऑर्डर मिल रहा है तो दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है, उसके बाद हरियाणा पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, पंजाब से ऑर्डर मिला तो पंजाब पुलिस दिल्ली आ गई, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट करके ले गए, तो संदेश तो यहाँ बहुत गलत जा रहा है ना, ऐसे किसी भी कार्रवाई पर फिर सवाल उठते रहेंगे हमेशा। देखिए, सबसे पहले यह है कि तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी हो सकती है ये दिल्ली पुलिस को भी पता था और ये तमाम तीनों राज्यों की सरकारों को भी पता था, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, सबको पता था, और उनके लिए जो है वो पहले भी उनको नोटिस रिसीव कराना या पुलिस उनको ढूंढने के लिए दिल्ली जा चुकी है पंजाब पुलिस, तो ऐसे में इस बात का अंदेशा पहले से था। दूसरी बात यह है कि अगर गिरफ्तार करके लाया जा रहा था तो मुझे लगता है कि कोई भी आरोपी या अपराधी गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उसके आगे पुलिस के पास ज्यूरिसडिक्शन होती है अदालत की, अदालत ये तय करती है कि इसके ऊपर फर्जी मुकदमा बना है या नहीं बना है, उसके लिए लीगल रेमेडीज होती है, लेकिन दो राज्यों की पुलिस का आमने सामने खड़े हो जाना, कल को अगर हरियाणा पुलिस पंजाब में आएगी तो पंजाब पुलिस रास्ता रोककर खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि IPC पार्टियों की सरकारों के हिसाब से चलती है। जब एक बार FIR दर्ज हो गई है तो पुलिस और कोर्ट का मामला होता है ये, फिर जिस पुलिस ने FIR दर्ज किया और जिस अदालत में उसको पेश किया जाना है, इसमें अगर किसी तीसरे राज्य की पुलिस बीच में आ रही है और रास्ता रोका गया है, मुझे लगता है कि ये विवाद को बढ़ाता है, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है और ये झगड़े पुलिस के रोज होने लग जाएंगे। हम ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अब पुलिस भी लड़ने लगी है आपस में। नहीं तो यहाँ तो खाकी की एक तरीके से बेबसी ज्यादा नजर आ रही है, खाकी कठपुतली बनी हुई ज्यादा नजर आ रही है, और खाकी जो है उसी में आर पार, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक राज्य की पुलिस वर्सेस दूसरे राज्य की पुलिस। जगविंदर पटियाल, देखिए ये पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे वो हरियाणा की बात हो, दोनों ही जगह जो है वो पुलिस पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर को फॉलो कर रही है और उस ऑर्डर के कारण जो है ये स्थिति खड़ी हुई है। आज की हाईवे के ऊपर पंजाब पुलिस का रास्ता रोक कर हरियाणा पुलिस खड़ी है और करना क्या है ये दोनों को नहीं पता है, क्योंकि एक कह रहा है मैं अपने आरोपी को ले जा रहा हूँ, दूसरे को ये नहीं पता है कि मैंने उसका रास्ता रोका क्यों है। ऐसी स्थिति आम तौर पर कभी भी दो राज्यों की पुलिस के बीच में नहीं बनती है जो आज ये स्थिति बनी है, और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पॉलिटिकल बॉसेस क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए अब ये रास्ता रोक भी लिया गया है तो क्या करेंगे, क्या केस दर्ज किया जाएगा, कोई किडनैपिंग हुई है, FIR दर्ज नहीं थी, FIR दर्ज थी इसीलिए उठा के लाया जा रहा था, ये खाम खाम है जो एक साधारण भाषा में कहा जाए जुलूस निकालने वाली बात है। और तमाम राज्यों के जो DGP इस पूरी स्थिति को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अगर उनके बगल के राज्य में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो ये स्थिति उनके सामने भी खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि कायदे कानून FIR कोर्ट ये सब चीजों का मजाक है और पुलिस एक पॉलिटिकल पार्टियों में जैसे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट आती है उस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और ये सारा कुछ हो रहा है पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर। ABP News आपको रखे आगे।